हेलो गाइस एंड गर्ल्स, बहुत दिनों बाद स्वागत है आप सभी का एक और फैक्ट्स की वीडियो में। हाँ यार, कितना टाइम हो गया ना, ना ही फैक्ट्स की वीडियो बनाई और ना ही वन पीस की। तो आज हम जानेंगे वन पीस से रिलेटेड ऐसे कुछ बेसिक फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन। हाँ, मुझे मालूम है आप में से कई लोगों ने वन पीस अभी कम्प्लीट नहीं किया होगा, सो फॉर द सेक ऑफ व्यूज एंड वॉच टाइम ये वीडियो होगी स्पॉइलर फ्री। तो आज हम लोग जानेंगे नारुतो और वन पीस के कनेक्शन के बारे में, क्यों वन पीस के एंगल जब को इतनी ज़्यादा हेट मिली और क्यों ये इंडिया में फेल हुआ। लेकिन एक सेकेंड, ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर इस वीडियो पे 1000 व्यूज कंप्लीट होते हैं तो हम स्ट्रॉइड्स के सेपरेट मेंबर जैसे लूफी, सांजी, जोरो, इन सब के ऊपर एक पर्सनल फैक्ट वीडियो बनाएंगे। तो इसी के साथ गमो गमनो प्ले द इंट्रो। क्यों मैं ओवर एक्टिंग करता साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। वन पीस एक एडवेंचर शोनेन और फैंटेसी मांगा और एनिमे है। इसे लिखा और इलस्ट्रेट किया है इचिरो ओडा ने। ये वीकली शोनन जंप में जुलाई 1997 से चलती आ रही है। इसमें लूफी एक डेविल फ्रूट यूजर और स्ट्रो हैट का कैप्टन है, जिसका सपना है वन पीस के खजाने को ढूंढना और पायरेट गैंग बनना, जिसमें उसके कई दोस्त उसकी मदद भी करते हैं। और अभी अगस्त 2020 में ही कहा गया था कि ये एनिमे अपने अंतिम चरण में है। वन पीस के जैपनीज पब्लिशर हैं शुएशा और इंग्लिश पब्लिशर है विज मीडिया। और अगर आप वन पीस फ्री में पढ़ना चाहते हो, वो भी लीगली, तो आप शोनन जंप के ऑफिशियल ऐप पे पढ़ सकते हो। वो हर हफ्ते कुछ चैप्टर को फ्री अवेलेबल करते हैं। ये 1997 से अब तक चला आ रहा है। वन पीस के एनिमे 1999 में एयर होना स्टार्ट हुआ था और अब तक ऑन गोइंग है। इसके 900 से ज्यादा एपिसोड हैं और मांगा के 1000 चैप्टर कंप्लीट होने वाले हैं। इसका स्टूडियो है टोई एनिमेशन। ये ड्रैगन बॉल, डॉक्टर स्लम, स्लैम डंक, डिजिमोन इन सीरीज के लिए फेमस है और ये वन पीस के फिलर भी कम बनाते हैं। और इसमें कई फिलर्स में कुछ न्यू डेविल फ्रूट्स भी होते हैं और ये पॉइंट वन पीस के फिलर को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है। वन पीस की मांगा और एनिमे से जिनका नाम जुड़ा है ना, सभी ने बहुत ही ज़्यादा पैसा कमाया है और हर साल उनका प्रॉफिट बढ़ता ही जा रहा है। और इसी के साथ वन पीस की मांगा कई बार टॉप सेलिंग मांगा बन चुकी है। आजकल ये डायमंड स्लेयर बस जरा जलवा है हमारा। बाय द वे, वन पीस का नाम गिनीज बुक में भी है मोस्ट कॉपीज पब्लिश फॉर द सेम कॉमिक सीरीज बाय अ सिंगल ऑथर। इस चैप्टर के लिए वन पीस के ऑथर इचिरो ओडा ने खुद ही बताया कि वन पीस को बनाने की इंस्पिरेशन ड्रैगन बॉल और विक्की द वाइकिंग थे। ओडा को टोरियामा के ड्रैगन बॉल और डॉक्टर स्लम से स्टोरी टेलिंग और ह्यूमर का स्कोप मिला। ओडा जब यंग थे तब उनको पायरेट से काफ़ी ज़्यादा लगाव था और जब उन्होंने विक्की द वाइकिंग देखा तो उन्हें लगा यार कि इस तरह का पायरेट पे कुछ बनाया जा सकता है। आज जैसे वन पीस की स्टोरी चल रही है ना, पहले ऐसी नहीं थी। 90s में ओडा ने एक्सपेरिमेंट में वन पीस की दो वन शॉट मांगा लिखी थी जो सेम ही कॉन्सेप्ट पे थी, जैसे कि पायरेट्स डेविल फ्रूट्स लूफी का एडवेंचर। इस वन शॉट का नाम था रोमांस जॉन। इसका वर्जन 1 आपको एक ओवीएस स्पेशल टाइप में मिलेगा और वर्जन 2 को आप एनिमे के एपिसोड नंबर 907 में देख सकते हैं, जो वन पीस के 20th एनिवर्सरी के सेलिब्रेशन पर रिलीज किया गया था। इसकी स्टोरी थोड़ी सिमिलर ही है लेकिन एक अलग दुनिया में। इस दुनिया में हमेशा लड़ाई होती रहती है कि कौन सा शोनन बेस्ट है भाई, कौन सा बेस्ट है। ऐसे ही नारुतो और वन पीस फैंस की भी लड़ाई होती रहती है, लेकिन इन दोनों के जो एनिमे के वॉइस एक्टर का तो स्वैग ही अलग है यार। आपने शायद ना नोटिस किया हो लेकिन इसमें कई ऐसे वॉइस एक्टर हैं जिन्होंने एक साथ दोनों एनिमे में आवाज़ दी है, जैसे कि नारुतो की वॉइस एक्टर जुनको तोकिचू, इन्होंने वन पीस में साबो के यंगर वर्जन को आवाज़ दी है। वन पीस में चॉपर को और नारुतो में कोनोहा मारू को आवाज़ दी है सेम वॉइस एक्टर ने, जिनका नाम है इकियो ओटानी। और दोनों सीरीज में बिजली से रिलेटेड कैरेक्टर्स मिनातो नामिकाजे फ्रॉम नारुतो एंड एंड्री द गॉड ऑफ थंडर फ्रॉम वन पीस, इन दोनों को आवाज़ दी है तोशिकियो मोरिकावा ने। साथ ही इन्होंने वन पीस में हाचिन को भी अपनी आवाज़ दी है और बाकी के कैरेक्टर को स्क्रीन पे हम डाल रहे हैं। देख लो भैया, मैं पानी पीकर आता हूँ, साली प्यास लगी है यार। तो चलें अब आगे बढ़ते हैं। वन पीस और नारुतो के कनेक्शन पे दो और फैक्ट्स हैं। पहले सीरीज में सांजी का नाम नारुतो होने वाला था लेकिन बाद में इसे चेंज कर दिया गया, ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन क्या आपको पता है बरुटो में भी वन पीस का रेफरेंस है। बरुटो की वन शॉट में जब मित्सुकी अपने हाथ लंबे करता है ना, तो
तो बरुटो उससे बोलता है तुम्हारे डैड मंकी डी, और जैसे ही बरुटो आगे कुछ बोले मैं तो उससे कुछ साला उसको बोलने ही नहीं देता। ऐसे वन पीस के मांगा चैप्टर 766 में नामी कोनोहा के पैटर्न के कपड़ों में हमें दिखती है, और नारुतो के मांगा चैप्टर 700 में हमें जब नारुतो का होकागे वाला स्टैचू दिखाते हैं ना, तो वहाँ पे एक पायरेट सिंबल होता है। कोइंसिडेंस ही होगा। अबे भैया नहीं, तो एक और बात सुनो, नारुतो का चैप्टर 700 आया था 24 नवंबर 2014 को, और वन पीस का चैप्टर 766 आया था 10 नवंबर 2014 को। नारुतो और वन पीस के दोनों के राइटर किशिमोतो और ओडा राइवल्स हैं, तो नारुतो का गुड बाय और ट्रिब्यूट था ये। आप वन पीस की मांगा पढ़ें या एनिमे देखें, एक चीज़ शुरू से हमेशा से दिक्कत करती आ ही रही है, और वो है वन पीस के करेक्टर। वन पीस के करेक्टर बड़े ही अजीब और किसी मिस्टिकल क्रिएचर की तरह लगते हैं। कई लोगों को लगता है ये एनिमेशन वालों की गलती है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। ओडा के करेक्टर आर्ट स्टाइल ही ऐसी है। ओडा के मुताबिक करेक्टर काफ़ी ज़्यादा मॉडल्स की तरह बनते जा रहे हैं, इसलिए अनअट्रैक्टिव और अजीब से दिखने वाले करेक्टर को उतनी स्पॉटलाइट नहीं मिल रही है, इसलिए उन्हें ऐसे अजीब गरीब करेक्टर बनाना काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार लगता है। और रही एनिमेशन की बात, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसे का खर्चा होता है भाई। एक एपिसोड लगभग $100,000 का बनता है। सोचो ऐसे 1000 एपिसोड, अबे कितना खर्चा हो गया होगा यार। 2 decades और 900 एपिसोड से ज़्यादा चलने वाली इस सीरीज़ का प्लान बस 5 साल तक का ही था। ये सीरीज 2002 को ख़त्म होने वाली थी, लेकिन फैंस की डिमांड और ओडा को भी इसमें लिखने में मज़ा आ रहा था, तो ऐसे चलाया गया और ये अभी तक चलती आ रही है। 22 जुलाई 1997 को वन पीस की शुरुआत हुई थी मांगा की। एक्चुअली एनिमे तो 20 अक्टूबर 1999 में स्टार्ट हुआ था, और इसलिए 22 जुलाई को जापान में वन पीस डे मनाया जाता है। तो आप में से कई लोग तो इस फैक्ट को जानते ही होंगे, वन पीस एंड 90s और अर्ली 2000 के आसपास आया था। उस वक्त डबिंग की प्रोसेस इतनी एडवांस नहीं थी, मतलब अच्छी नहीं थी। अभी जैसे इंग्लिश डब की क्वालिटी है ना, उस वक्त वैसी बिल्कुल नहीं थी। जब वन पीस शुरू में आया था उसके काफ़ी ज़्यादा हेट मिल रही थी, क्योंकि उसका इंग्लिश डब का जो कॉन्टेंट था वो दिया गया था 4 kids को, वो भी साला ज़बरदस्ती दिया गया। 4 kids के नाम में ही है यार, 4 kids। तो उन लोगों के लिए ये सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा वॉयलेंट और मैच्योर थी, तो ये बच्चों को बिल्कुल नहीं दिखाना चाहते थे, तो उन्होंने इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस कर दिए। लोग गालियाँ नहीं देते थे, सांजी ठरकी नहीं था, और वैसे कोई भी वर्ड्स इंक्लूड नहीं होते थे, और उन्होंने कई सीन्स को थोड़ा बदल भी दिया, जैसे कि लोगों के मुंह में सिगरेट की जगह पे चॉकलेट और लॉलीपॉप डाल दिए। पायरेट्स हैं भाई, बियर तो पिएंगे, लेकिन उन्होंने वहाँ जूसेस और कोल्ड ड्रिंक डाल दिए। किसी भी करेक्टर का खून नहीं निकलता था, तलवार और गन्स की जगह पे निकालो तो खिलौने निकलते थे। अगर कोई करेक्टर कम कपड़े पहनता है ना, तो उस पर और कपड़े लगा दिए, और कुछ फाइटिंग और इंटेंस सीन्स को तो काट ही दिया था। साला वन पीस को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये वन पीस नहीं, डिज्नी का जूनियर पायरेट चल रहा है, तो इसलिए लोगों को लगा था कि वन पीस यार बच्चों के लिए, ये हमारे लिए तो है नहीं। लेकिन कुछ लोगों ने जैपनीज वर्जन देखा, तो उन्होंने लोगों को बताया भाई कितना बड़ा स्कैम हुआ है हमारे साथ। ये फिर ये 4 kids से लड़के फनीमेशन को मिला, और यही 4 kids का डब इंडिया में आया था, जो कुछ देर बाद एयर होना बंद हो गया। रीज़न तो तुम्हें पता ही होगा। सो जब भी नेक्स्ट टाइम वन पीस इंडिया में लाना हो ना, तो टीवी पे नहीं OTT पे लाना, वरना ये भी पेला गया था वो भी पेला जाएगा। कार्टून नेटवर्क पे आया था बाय द वे। इसकी डबिंग भी बच्चों वाली हुई थी, और अगर आप जैपनीज और हिंदी डब को कंपेयर करोगे ना, तो पता चल ही जाएगा कि इनकी आवाज़ मैच ही नहीं करती। फिर भी मैंने इसकी अवेलेबल क्लिप्स और इसकी मूवी को डब देखा, जो कि डब मूवी का था ना वो अच्छा था, लेकिन थोड़ा बॉलीवुड की आवाज़ में था, जैसे यूसुफ की आवाज़ जॉनी लीवर की थी। और इसकी बिगनिंग एपिसोड की क्लिप्स से हमें पता चलता है कि लूफी की आवाज़ दी थी करण त्रिवेदी, और जोरो की आवाज़ दी थी सौम्या दान ने। करण त्रिवेदी को आप पहचानते होंगे बेंटन अल्टीमेट एलियन में केविन 11 से, और सौम्या दान थे पीटर पार्कर अल्टीमेट स्पाइडरमैन से। तो अगर आप समझ गए हो इनकी आवाज़, तो आपको पता चल ही जाएगा कि आवाज़ में कितना डिफरेंस है यार, और ये बिल्कुल भी सूट नहीं करती है यार। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, और इसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब मारो यार, और बेल आइकन भी दबा ही दो, और कमेंट में #OnePieceIndia और #GomoGomoHindi लिखना मत भूलना। नेक्स्ट फैक्ट की वीडियो में किस पे चाहिए ये भी बता देना, ये लिखो, और वन पीस के करेक्टर फैक्ट्स आएंगे इस वीडियो पे अगर 1000 views कंप्लीट होते हैं। तो तब तक के लिए गोमो गोमो नो आउट्रो।